भारतीय एलोपैथिक को खराब कहने के बुरे बयान में फंसे बाबा रामदेव, आज डॉक्टरों ने उड़ाई उसकी खिली। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस की एंट्री। इसके साथ आज गाजियाबाद में येलो फंगस की पुष्टि हुई। एक ही आदमी में तीनों फंगस। और कोरोना के घटते मामले के बीच महाराष्ट्र सरकार कर सकती है अहम फैसले लॉकडाउन के ऊपर। ब्लैक फंगस ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के प्रयोग से हो रहा है या मास्क से, इससे किससे हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं। ब्लैक फंगस के कारण सीधे इंसान के शरीर के मेन हिस्से बोलो तो दिमाग में असर हो रहा है। आंखों के जरिए ब्लैक फंगस फैल रहा है और उससे बचाव के लिए कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। और मृत्यु दर ऑक्सीजन के यूज़ से मृत्यु दर कम नहीं हो रही है। और भारत ने वैक्सीन लॉन्च की है जिसपे पीएम मोदी का फोटो लगने से जीनत राम मांझी नाराज़, और उन्होंने कहा कि कोरोना से हुई मृत्यु में लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी मोदी का फोटो होना चाहिए, इसके लिए हुए नाराज। महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबरें। उद्धव ठाकरे ने किया गोवा, रत्नागिरी इन क्षेत्रों का चर्चा, और तूफान से ग्रसित लोगों को बोला कोई नहीं रहेगा वंचित। प्रभावित इंसान और लोकल रेलों को लेकर आया है बड़ा बयान। 4 दिन में होंगे लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन, उद्धव ठाकरे ने कहा 4 दिन में किया जाएगा लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन और कुछ ढीलापन। रेलवे में नहीं दी जाएगी छूट।